इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। घर वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार हत्या क्यों की गई। इधर हत्या मामले में बयानबाजी जारी है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेर रही है। इसी वार पलटवार के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने रुपेश सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और वो छपरा के जलालपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रुपेश सिंह के बच्चों और परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसी दौरान सुशील मोदी रुपेश सिंह की बेटी की बात सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर के लिए सुशील मोदी की आंखें नम हो गई। दरअसल रुपेश सिंह की 8 साल की बेटी से जब सुशील मोदी ने बातचीत की तो उसने कहा कि अंकल, जब अपराधियों को पकड़ा जाए तब सबसे पहले उन्हें मेरी माँ के सामने लाइएगा, मेरी माँ उन्हें सबसे पहले सजा देंगी। रुपेश सिंह की बच्ची की ये बात सुनते ही सुशील मोदी भावुक हो गए और उन्होंने नम आंखों से बच्ची को गले लगा लिया। परिजनों से मुलाकात के बाद सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना से हम सभी मर्माहत हैं। हर दिल अजीज आदमी का ऐसा उनके साथ हो जाना मेरी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। कोरोना काल में उसने लोगों की सेवा की है, यह घटना काफी दुखद है। सरकार और पूरा प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी डीजीपी से बात हुई है, वे पूरी ताकत से मामले का उद्भेदन करने में लगे हैं और बहुत जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे, कोई बचेगा नहीं। बिहार में एक ऐसी सरकार है जो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पकड़ा जाएगा।